गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2v2 बेस्ट ऑफ टू आप हर मैच कैसे जीत सकते हो और बेस्ट ऑफ थ्री हर हर मैच आप कैसे जीत सकते हो। तो उसके लिए थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं आपको बताऊँगा खेलते वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं बेस्ट ऑफ टू में। ओके तो सामने वाला बंदा ठीक है, डिसेंट बंदा है। ठीक है तो आपको 1v1 क्यों खेलना चाहिए ये भी मैं आपको गेम के एंड में बताऊंगा। अभी मैं आपको थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ जिससे आप हर गेम बेस्ट ऑफ टू जीत सकते हो। ओके सो लेट्स सी क्या कार्ड आते हैं अपने पास। ओके तो सबसे पहले आप देखना कि आपके पास कोई प्योर है क्या। जैसा अभी यहाँ पे मेरे पास प्योर है, हमेशा सबसे पहले प्योर पत्ते ही ढूंढना। जैसे अब मेरे पास एक प्योर जोड़ी है, ठीक है, ये एक मेरा जोकर है जो मैं यहाँ लगा सकता हूँ। ठीक है ओके सो अभी मेरे पास यहाँ पे एक अनपेयर है, यहाँ पे एक जोकर के साथ मेरा फोर कार्ड है, ठीक है, और यहाँ पे ये सब मेरे नॉन यूजेबल कार्ड है जो मेरे को यूज़ नहीं है। ठीक है तो सबसे पहले आपको प्योर कार्ड ढूंढना था, अभी सबसे पहले हम उठाते कार्ड। ठीक है अभी यहाँ पे मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। और सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना, हमेशा जो भी बड़ा पत्ता है वही सबसे पहले आपको निकालना है आपके इसमें से, जो भी सबसे बड़े पत्ते हैं। जैसे इसमें ये है तो अब मैं जब कोई दूसरा कार्ड आएगा तो मैं सबसे पहले इसको निकालूंगा। तो जो भी आपके कार्ड्स में जो भी सबसे बड़ा पत्ता है उसको फेंक दो, क्योंकि उससे आपका पॉइंट्स बढ़ेगा, वो आपको नुकसान करेगा आपके पॉइंट्स में। अभी ये पत्ता मुझे यूज़ नहीं है तो मैं यहाँ से दूसरा पत्ता उठाता हूँ। कनेक्शन एरर हो गया, एक मिनट मैं अपना। ओके तो यहाँ पे मुझे एक कार्ड मिल गया है। तो अभी देख सकते हो ये तीन मेरे नॉन यूजेबल कार्ड है जो मुझे यूज़ नहीं है। ठीक है अब मेरे पॉइंट्स कितना बचा है, 9 और 9, 18 पॉइंट्स बचे हैं मेरे पास। अब मुझे इसे भी कम करना है, ठीक है, बाकी सब मेरे हो गए कार्ड, तो मैं इसको यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। ओके ये मेरा जोकर है, लेट्स सी, ये यहाँ पे मेरी प्योर है। ओके यूज़ नहीं है, ओके तो चलो अब यहाँ पे देख सकते हैं अब मेरे पास कितने पॉइंट्स बचे हैं, 9 और 4 13। जितना हो सके पॉइंट्स आपको कम रखना है और मेक श्योर करना है कि जो सामने वाला जो कार्ड फेंक रहा है उसे आप अच्छे से रीड करो कि वो कौन सा कार्ड फेंक रहा है। जैसे अब मेरे पास यहाँ पे हो गया है ऑल कार्ड हो गए, अब मैं यहाँ पे शो करता हूँ, ये मेरा जोकर है जोकर के साथ, ये मेरा फोर कार्ड है जोकर के साथ, ये मेरा प्योर है, ये भी मेरा प्योर है। अब लेट्स सी पॉइंट्स, देखो इसके बाद 17 पॉइंट्स। अब नेक्स्ट गेम में हमें ये ट्राई करना है कि हमारे पास 17 पॉइंट से कम हो। तो सबसे पहले जितने भी बड़े कार्ड है वो फेंक दो, पहले आप अपना ट्रायो बना लो, पहले आप अपना प्योर बना लो। यहाँ पे मैंने प्योर बना लिया। ओके तो ये मेरा बड़ा कार्ड है तो मैं मेक श्योर करूँगा कि इसको मैं सबसे पहला फेंकूँ, इक्के को। ओके चलो मैं इसको उठा लेता हूँ। जैसे ये कार्ड मुझे यूज़ नहीं है बट फिर भी मैं उठा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पॉइंट्स कम करना है। तो मेरे पास कितने पॉइंट्स बचे, 6 6 12, जीत गया मैं। क्यों, क्योंकि उसके पास 17 है और मेरे पास 12 पॉइंट बचे। अगर उसने शो भी कर दिया तो भी मैं जीत जाऊंगा। और यहाँ पे और एक चीज़, यहाँ पे मैं इसको यहाँ कर सकता हूँ, इसे मैं यहाँ लगा सकता हूँ, इसे मैं यहाँ लगा सकता हूँ, बूम हो गया, जीत गया मैं। देख रहे हो बहुत ही इजी। ठीक है तो मैं इसीलिए टिप्स यही है कि आप ट्राई कीजिए कि जितने भी बड़े कार्ड है आप सबसे पहले उन्हें फेंकिए, क्योंकि बड़े कार्ड आप जितना रखोगे आप उतना हायर चांसबिलिटी रहेगा कि आप हार जाओगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो बड़े कार्ड है वो पहला फेंकिए, और जो सामने वाला जो बंदा कार्ड फेंक रहा है उसे हमेशा रीड कीजिए कि वो क्या फेंक रहा है,
तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई कार्ड फेंक रहे होगे तो ध्यान दीजिए कि उसने जो कार्ड फेंका उसी सिमिलर कार्ड हम उसे दे, और कोशिश कीजिए कि बड़े कार्ड पहले निकालें अपने गेट टैक में से, अपने डैक में से। ओके, और मैं 1v1 इसलिए खेलने बोलता हूँ क्योंकि 1v1 में आपको 50% चांसेस रहता है जीतने का, और 1v1 आप हमेशा जीतोगे अगर आप प्रॉपरली खेलोगे तो। और अगर आप 6 प्लेयर कार्ड खेलोगे, जैसे 6 प्लेयर के साथ खेलोगे, तो उसमें आपके चांसेस कम रहते हैं खेल जीतने के। मैं आगे की वीडियो में वो भी बताऊंगा कि आप 1v6 कैसा खेल सकते हो, उसमें भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा। ओके, सो आज के लिए यही था गाइस। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, ताकि मैं उस पर और वीडियो बना सकूँ। आपको जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट डाउन की कर सकते हो, ताकि मैं उसका आंसर दूँ और उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।